बिल्कुल बेसिक भूमिका के रूप में यदि हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है जो हमें संस्कृत व्याकरण की भूमिका के रूप में पढ़ना है वो है आपका संज्ञा प्रकरण। यानी कि संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत हम लोग क्या क्या विषय वस्तु पढ़ेंगे उसके लिए मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। संज्ञा प्रकरण का तात्पर्य है आपका बिल्कुल बेसिक यानी जीरो से वर्णमाला ज्ञान से यह टॉपिक आपका प्रारंभ हो रहा है कि वर्णमाला क्या है, वर्ण क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। संस्कृत की वर्णमाला को भाषा के रूप में जब हम प्रयुक्त करते हैं तो किस प्रकार से उसे प्रयुक्त करें, संस्कृत की वर्णमाला किन सूत्रों के आधार पर शब्द अर्थात पद बनाएगी, इत्यादि सभी प्रकार की विषय वस्तु हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत करेंगे। तो आप में से कितने छात्र हैं जिन्होंने की वर्ण विचार यानी कि संज्ञा प्रकरण मुझसे पहले नहीं पढ़ा है? रेज योर हैंड्स। वेरी गुड, आ रहा है ना समझ में? संज्ञा प्रकरण आप लोगों ने मुझसे नहीं पढ़ा है पहले, तो ये आपकी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। आप कह रहे हैं ना कि मैडम हमें जीरो से सीखना है, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, संस्कृत आपका विषय अब नहीं है, संस्कृत मेरा विषय है ये मान के मैं पढ़ा रही हूँ बहुत बेसिक से। और ध्यान दीजिएगा, व्याकरण में एक दिन की भी क्लास यदि आप मिस करते हैं ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, याद रखना ही है ना। और अभी तो स्टार्टिंग का व्याकरण है तो ये वैसे भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास के बाद हम लोग 12:30 बजे प्रमुख संस्कृत नीति आयोग सन और समिति इत्यादि की कक्षा लेंगे और वो हमारी YouTube पर लाइव होगी। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं वो YouTube पर नेक्स्ट वाली क्लास को 12:30 पर ज्वाइन करेंगे, ठीक है? चलिए आ जाइए, टाइटल डाल दीजिए, बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं। टाइटल डाल दीजिए संज्ञा प्रकरण। टाइटल डाल दीजिएगा संज्ञा प्रकरण। टाइटल डाल दिया है आपने संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण एक बहुत बड़े टॉपिक का नाम है। इसके अंतर्गत आने वाली विषय वस्तु को हम छोटे छोटे भागों में करके पढ़ेंगे, आ रहा है ना समझ में? संज्ञा प्रकरण एक बहुत बड़ी विषय वस्तु है, कम से कम ये सप्ताह भर चलने वाला लेसन है, लेकिन इस लेसन के अंतर्गत भी जो सब पॉइंट्स हैं, जो छोटी छोटी विषय वस्तु है उसके नाम के आधार पर कक्षा चलेगी। तो संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत हमारी जो पहली कक्षा है उसका नाम है व्याकरण की भूमिका। संज्ञा प्रकरण हमने शुरू किया है और संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत हम प्रारंभ कर रहे हैं व्याकरण की भूमिका, यानी संस्कृत व्याकरण क्या है, यहां से लेकर बिल्कुल जीरो से लेकर हम शुरू कर रहे हैं। टाइटल डाल दीजिएगा व्याकरण की भूमिका। देखो संस्कृत व्याकरण हम लोग पढ़ रहे हैं इसीलिए संस्कृत व्याकरण की भूमिका ये आज का टॉपिक है, तो हम लोग बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी संस्कृत क्या है, इसके पश्चात मैं बात करूंगी व्याकरण क्या है, फिर मैं बात करूंगी संस्कृत व्याकरण का उद्देश्य क्या है, संस्कृत व्याकरण क्यों पढ़नी चाहिए और संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए जितनी भी महत्वपूर्ण विषय वस्तु है उस पर परीक्षा उपयोगी प्रश्न क्या है, ठीक है ना? तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। पहले संस्कृत व्याकरण की भूमिका अपना टॉपिक है, तो संस्कृत क्या है उस पर बात करते हैं। शिक्षण विधियों की फर्स्ट क्लास जब थी तो संस्कृत क्या है, शिक्षा क्या है, शिक्षण क्या है, विधियां क्या है, बेसिक पढ़ के हमने फिर संस्कृत शिक्षण विधियों को शुरू किया। उसी प्रकार आज की विषय वस्तु यदि संस्कृत व्याकरण की भूमिका है तो संस्कृत क्या है और व्याकरण क्या है, इन दोनों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आ जाइए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं संस्कृत क्या है, ठीक है ना? सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से त प्रत्यय करने पर बनता है संस्कृत शब्द, ध्यान दीजिएगा।
सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से त प्रत्यय करने पर एक शब्द निष्पन्न होता है जिसका कि नाम है कौन? संस्कृत। और थोड़ा सा बेसिक में जाके यदि हम लोग बात करें कि संस्कृत जो भाषा है, शिक्षण विधियां पढ़ी थी हमने कुछ समय पहले, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से संस्कृत भाषा कैसी भाषा है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से संस्कृत भाषा कैसी भाषा है तो संश्लेषणात्मक है ना, या फिर कौन सी? संश्लिष्ट। फिर हम लोग बात करें भाषा विज्ञान की दृष्टि से भारो संस्कृत भाषा किस परिवार की भाषा है तो भारोपीय भाषा परिवार की। फिर हम लोग बात करें यदि त्रिभाषा सूत्र की बात करें तो त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का स्थान कैसा है? वैकल्पिक। तो यदि हम संस्कृत की बात कर रहे हैं तो संस्कृत की सारी बातें आज एक जगह करेंगे, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से एक त प्रत्यय करने पर एक नया शब्द निष्पन्न होता है जिसका कि नाम है कौन? संस्कृत। लिखें संस्कृत शब्द का तात्पर्य क्या है? अर्थात सर्व दोष शून्य परिमार्जित और परिष्कृत भाषा ही कौन है? संस्कृत है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह संश्लिष्ट या फिर श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। भाषा विज्ञान की बात करें तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह संश्लिष्ट या फिर श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। संश्लिष्ट या फिर श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह संश्लिष्ट या फिर श्लिष्ट योगात्मक भाषा है, ठीक है ना। फिर हम लोग और बेसिक में जाकर बात करते हैं कि हमने पहले भी पढ़ रखा है, काफी सारे वीडियोस में भी मैंने बताया है कि संस्कृत भाषा किस परिवार की भाषा है, तो ये भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार उसको कहते हैं जो कि भारत से लेकर यूरोप तक की है ना, भारोपीय नाम से ही सिद्ध है, भारत से लेकर यूरोप तक के क्षेत्र में जो जो भाषाएं बोली जाती हैं वो भारूपी भाषा की श्रेणी में आती हैं। तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा भारोपीय परिवार की भाषा है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह संश्लिष्ट या श्लिष्ट योगात्मक है। परिवार की बात करें तो यह भारोपीय परिवार की एक प्रमुख भाषा मानी गई है। भारोपीय परिवार और हमने तो संस्कृत भाषा के लिए ये भी पढ़ा था कि संस्कृत भाषा संगणक के लिए,
सर्वश्रेष्ठ भाषा स्वीकार की गई है। पूरे भारत में या पूरे विश्व में जितनी भी प्रचलित भाषा है उनमें संगणक यानी कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा कौन सी मानी गई है, तो संस्कृत मानी गई है। देखो हर एक लाइन यहाँ पर आपका एग्जाम में छपने वाला प्रश्न, याद रखना हर एक लाइन वही है जो कि प्रश्न बनकर छपेगा। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रही हूं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। संगणक की दृष्टि से यानी कंप्यूटर पर यदि हम लोग बात करें, कंप्यूटर पर यदि प्रयोग की दृष्टि से कौन सी भाषा सर्वश्रेष्ठ है, तो कंप्यूटर पर प्रयोग की दृष्टि से सबसे अच्छी भाषा मानी गई है किसको, संस्कृत को। तो हम लोग बात करेंगे संगणक की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त भाषा कौन सी मानी गई है, संस्कृत। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मैंने कहा संस्कृत क्या है, तो संस्कृत ये है समुपसर्ग पूर्वक क्री धातु से त प्रत्यय करने पर बना है कौन, संस्कृत। ध्यान दीजिएगा ये जो क्री धातु वाला रोल है ना, इसको वैसे भी हम सूत्रों में क्लियर करेंगे कि हम कह रहे हैं यहाँ पर क्री धातु है, लेकिन यदि एग्जाम में संस्कृत शब्द में कौन सी धातु है ऐसा पूछा जाए तो आप इसको डुकरे यदि ऑप्शन में हो, ध्यान दीजिएगा यदि आपके ऑप्शन में डुकरे शब्द हो तो डुकरे को भी सही करना है। क्यों, क्योंकि हलंत्यम सूत्रानुसार आपका क्या जाएगा, इयो जाएगा। सूत्र सिखाएंगे आराम से, बिल्कुल जल्दी नहीं है मुझे, है ना। हलंत्यम सूत्रानुसार जाएगा कौन, इयो। एक सूत्र होता है जिसका नाम होता है आदि रिचु डव, आदि रिचु डव से कौन जाएगा, डू। बच कौन गया, क्री। ये जो बचा हुआ क्री है यही तो संस्कृत का क्री है। आपसे यदि पूछा जाए ना करोती करोती कुरुतः कुरवंती करोषी करोमी, कुछ भी पद पूछे करिष्यति कुछ कुछ भी, तो इसकी मूल धातु कौन सी, मूल धातु कौन सी, तो आपकी क्री नहीं है, धातु कौन है, डुकरे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए यदि क्री के स्थान पर यदि आपका डुकरे आता है तो भी ऑप्शन राइट होगा। इस तरह की जो चीजें हैं ना वो मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी जब हम सूत्र स्टार्ट करेंगे। आज तो केवल संस्कृत व्याकरण की भूमिका पढ़ रहे हैं हम लोग, आ गया होगा समझ में, याद कर लें फटाफट से। आपका हेडेक केवल जीके का रहेगा और जीके के लिए भी हमने बहुत बेस्ट स्पेस आपको प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। संस्कृत बहुत अच्छे से यही याद कर रहे हैं, लेकिन एक बार मेरे साथ साथ ध्यान दीजिएगा, एक बार मेरे साथ के साथ आज ही घर पे जाके रिवाइज करना है और मेरे साथ ही शुरू करो। एक चीज ध्यान रखो, जिन बच्चों ने साथ के साथ रिवाइज करके साथ के साथ नहीं टेस्ट दिए, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है क्या, हो रहा है, हो रहा है ना। बस अब ये गलती दोबारा मत कर लेना। मैं उस दिन भी मैंने कहा था जब पहला सेशन शुरू किया था कि मेरे साथ साथ आज के आज शॉर्ट नोट्स बन जाना चाहिए और संज्ञा प्रकरण की भूमिका मेरी यहां समाप्त हुई, तो आज के आज आपको टेस्ट सीरीज भी इसकी सॉल्व करनी है। यदि मेरे साथ चलोगे तो मेरे साथ ही उस दिन लास्ट डे तक कोर्स हो जाएगा, तो ये पछताने वाला जो दिन है ना अब मत दोहराना। अब एक बार पछता लिए हो, मैं दोबारा चांस दूंगी, भगवान दो बार पछताने का चांस नहीं देगा, याद रखना है ना। मैं दोबारा चांस दे रही हूँ, कोई बात नहीं, गलती हो गई दोबारा करते हैं। चलिए आइए, हम लोग बात कर रहे थे, बिना देखे रिवाइज कर ले फास्टली, हम लोग बात करें शब्द क्या है, संस्कृत। संस्कृत शब्द की उपसर्ग, संस्कृत शब्द में निहित सम उपसर्ग का अर्थ क्या है, सम यानी सम यानी
या तो ये आया है संपूर्ण अर्थ में या ये आया है सम्यक, होता ना सम्यक यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ सम्यक शब्द आया यहाँ पे श्रेष्ठता के अर्थ में। तो यदि आपसे एग्जाम में यही पूछ लिया जाता कि संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग किस अर्थ में आया है, सम यानी समान बराबर के अर्थ में नहीं आया, ये आया किसमें, श्रेष्ठता अर्थ में, तभी तो हम लोग कह रहे हैं सर्वदोष शून्य है, सबसे श्रेष्ठ है ना, सर्वदोष शून्य है, सबसे श्रेष्ठ है, परिमार्जित है, परिष्कृत है, किसी प्रकार का दोष इसमें नहीं है। तो सम उपसर्ग यहाँ पर सम यानी बराबर के अर्थ में नहीं आया है, किस अर्थ में आया है, श्रेष्ठता के अर्थ में आया है। तो प्लीज लिख दीजिए इसको भी कहीं ना कहीं, संस्कृत में जो सम लिखा हुआ है ना उसी सम को इंडिकेट करके लिख दीजिए कि ये जो सम है ये तो क्या है आपका, श्रेष्ठता अर्थ, ये तो श्रेष्ठता अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए फिर हम लोग बात कर रहे थे कि संस्कृत जो है वो भाषा विज्ञान की दृष्टि से श्लिष्ट योगात्मक या फिर संश्लिष्ट भाषा है, लेकिन परिवार की बात करें तो ये भारोपीय भाषा का एक परिवार है। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात की कि संस्कृत भाषा तो कंप्यूटर के लिए भी सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। चलिए आ जाइए, इसके पश्चात हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, संस्कृत हो गया, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, व्याकरण के बारे में। ठीक है ना, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर व्याकरण के बारे में। व्याकरण क्या है, वी उपसर्ग पूर्वक, आंग उपसर्ग पूर्वक, क्री धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर बना है कौन, व्याकरणम, क्योंकि ल्युट प्रत्यय नपुंसक लिंग अर्थ में प्रयुक्त होता है, पता होगा ल्युट प्रत्यय नपुंसक लिंग अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो ये बन गया कौन, व्याकरणम। व्याकरणम की ये जो लिखी ना हमने, ये निष्पत्ति थी, ध्यान देना, इसको कहते हैं निष्पत्ति। और एक और शब्द आएगा जिसका नाम होगा व्युत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति और निष्पत्ति में डिफरेंस क्या है, बोर्ड पर आ जाओ। एक चीज है निष्पत्ति, एक चीज है व्युत्पत्ति। तो निष्पत्ति और व्युत्पत्ति में डिफरेंस क्या है, निष्पत्ति में उपसर्ग धातु प्रत्यय को अलग करेंगे, समझ में आ रहा है कुछ, निष्पत्ति में क्या करेंगे, उपसर्ग धातु प्रत्यय सबको अलग करेंगे। और यदि हम लोग बात करें व्युत्पत्ति की, तो सॉरी व्युत्पत्ति की बात करेंगे तो व्युत्पत्ति में उसी शब्द का क्या है, डिटेल लिखेंगे। तो निष्पत्ति तो उपसर्ग धातु प्रत्यय वाली होगी, जो कि समझ में आ रही है। अब व्याकरण की व्युत्पत्ति क्या है, तो व्याकरण की व्युत्पत्ति है कई बार तो आपको व्यक्रियंते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम ऐसा भी मिलेगा, और कई बार आपको व्यक्रियंते विविच्यंते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम ऐसा भी प्राप्त होगा। दोनों कॉमन परिभाषाएं हैं।
समझ में आ रहा होगा। ऐसा कोई शास्त्र जो किसी शब्द में निहित, यानी किसी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, ऐसा जो बताएगा वह शास्त्र ही कौन है, व्याकरण है। व्याकरण को व्यक्रिया शास्त्र भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। व्याकरण का एक अन्य नाम व्यक्रिया शास्त्र भी है। व्याकरण का एक अन्य नाम व्यक्रिया शास्त्र, व्यक्रिया शास्त्र भी है, ध्यान दीजिएगा। व्याकरण का एक अन्य नाम व्यक्रिया शास्त्र भी है, क्योंकि हमने लिखा ना व्यक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम्, जिसमें शब्दों की व्यक्रिया की जाए, तो व्यक्रिया यानी ऑपरेशन करना, तो व्याकरण ऑपरेशन ही तो कर देता है किसी शब्द का। उपसर्ग कौन है, धातु कौन है, प्रत्यय कौन है, लिंग कौन है, वचन कौन है, विभक्ति कौन है, ये सब बताता है व्याकरण। पूरा का पूरा किसी शब्द को खोल के रख देता है, तो व्याकरण को हम व्यक्रिया शास्त्र भी कह सकते हैं, ध्यान देना। ठीक है, व्यक्रिया शास्त्र बहुत हाईलाइट करें, इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, आज का जो लेसन है वो पूरा पढ़ के, यहां पढ़ा रही हूं, समझा रही हूं, याद करवा रही हूं, घर जाके फिर पढ़ लेना। जो चीजें याद रह गई बहुत अच्छी बात है, जो चीजें नई लग रही है कि आपने इतने सालों में नहीं पढ़ी है, आपके लिए जो चीजें न्यू हो, दैट शुड बी रिटन इन द शॉर्ट नोट्स। आ रहा है समझ में? एक कॉपी बनाइए, उस कॉपी में जो आपने पहली बार पढ़ा कि हाँ ये मैटर तो मुझे पहली बार मिला, ऐसा तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, तो वो जो चीज पहली बार मिली ना उसको शॉर्ट नोट्स में डाल दो। ठीक है, चलिए हो चुका होगा। व्याकरण को हम लोग क्या कह सकते हैं? व्यक्रिया शास्त्र भी कह सकते हैं। आगे बढ़ जाइए, भाषायाः प्रवेश द्वारं भवति। किसी भी भाषा का प्रवेश द्वार क्या है? व्याकरण। किसी भी लैंग्वेज में हमें एंट्री करनी है तो सबसे पहले हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए, व्याकरण आना चाहिए। तो व्याकरण को हम किसी भी भाषा का प्रवेश द्वार कह सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पाणिनीय शिक्षा में षड् वेदांगों का वर्णन करते हुए, पाणिनीय शिक्षा में षड् वेदांगों का वर्णन करते हुए, पाणिनि ने व्याकरण को प्रथम स्थान, व्याकरण को प्रथम स्थान दिया है। बिल्कुल सही बात है। हम कह रहे हैं कि पाणिनि जब षड वेदांगों की बात कर रहे हैं, कहां पर? पाणिनीय शिक्षा में। बोर्ड पर देखो, एक नया क्वेश्चन रेडी हो गया कि षड वेदांगों का वर्णन कहां है? पाणिनीय शिक्षा में है।
और वहां पाणिनि शिक्षा में जब पाणिनि ने 6 वेदांगों का वर्णन किया है तो उन्होंने व्याकरण को प्रथम स्थान दिया है, और व्याकरण को प्रथम स्थान देते हुए वो हमसे क्या कहते हैं, वो हमसे कहते हैं कि मुखम व्याकरणम स्मृतम, यानी मुख ही कौन है, व्याकरण है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, मुखम व्याकरणम स्मृतम। हो जाएगा, हमने लिखा था व्याकरण को भाषा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है भाषाया प्रवेश द्वारम किम, भाषा का प्रवेश द्वार क्या है, तो व्याकरण। और प्राण तत्व भी कहा कह दिया जाता है, जहां प्रवेश द्वार लिखा है ना आपने, उस प्रवेश द्वार के साथ आप प्राण तत्व भी लिख सकते हैं। व्याकरण को भाषा का प्रवेश द्वार और प्राण तत्व कहा जाता है, दोनों चीजें याद रखिएगा। व्याकरण को भाषा का प्राण तत्व भी कह रहे हैं, प्रवेश द्वार भी कह रहे हैं, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो चुका होगा, याद करना है भाषा का प्राण तत्व और प्रवेश द्वार क्या है। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण को प्रथम स्थान देते हुए वेद पुरुष के किस अंग के रूप में व्याकरण की कल्पना की है, तो मुख। पाणिनि शिक्षा में वेद पुरुष के कौन से अंग से व्याकरण की तुलना की है, तो मुख। और उन्होंने कह दिया है कि मुखम व्याकरणम स्मृतम, यानी जो मुख है वही कौन है, व्याकरण है। आगे बढ़ जाइए। सबसे पहले हम लोगों ने बात की किसकी, पाणिनीय शिक्षा की, कि पाणिनीय शिक्षा में तो ऐसा कहा है व्याकरण के बारे में। फिर हम दूसरी बात कर रहे हैं किसकी, पतंजलि की। हम लोग दूसरी बात कर रहे हैं किसकी, पतंजलि की। ध्यान देना, पतंजलि ने क्या लिखा है, महाभाष्यम। पतंजलि क्या लिखेंगे, महाभाष्यम लिखेंगे। और पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम्। पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम्। लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम्। हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है पतंजलि ने महाभाष्यम में व्याकरण की परिभाषा क्या दी। पाणिनि ने तो कहा व्यक्रियंते शब्दा अनेन इति व्याकरणम्। समझ में आ रहा है क्या, एक एक शब्द के बारे में बात कर रहे हैं। पाणिनि ने व्याकरण की क्या परिभाषा दी, तो व्यक्रियंते शब्दा अनेन इति व्याकरणम्। बोलो बच्चों, आप थोड़ा कम बोलोगे फिर मुझे ज्यादा बोलना पड़ेगा, फिर गला, डॉक्टर ने ज्यादा बोलने से मना किया आपको पता है ना, फिर क्लासेस ये है कि 4.5 घंटे की बजाय 2-2 घंटे ही होंगी रोज, इसलिए आप प्रेशर करो ना, आप बोलो। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पाणिनि जिन्होंने कि क्या लिख दिया, अष्टाध्यायी, उन्होंने व्याकरण की परिभाषा क्या दी है, तो
व्यक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। रहेगी याद? सिंगल परिभाषा जो पाणिनि ने दी है क्या है? व्यक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। और यदि आपसे पूछा जाए कि पतंजलि ने व्याकरण की परिभाषा क्या दी, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम्, दो परिभाषा याद हुई। पाणिनि ने क्या बोला और पतंजलि ने क्या बोला? कॉन्सेप्ट याद होगा तो मतलब है अखबार जैसे रीडिंग मत लगाया करो, अखबार की रीडिंग लगा रहे हैं ना, वैसे नोट्स की मत लगाया करो, ये जीवन है याद रखना। अखबार तो 2 घंटे के बाद डस्टबिन में जाता है ना, बेकार हो जाता है, उसका कोई यूज नहीं है, रद्दी में जाता है। लेकिन ये तो जीवन है याद रखना, इसीलिए चीजें याद होनी चाहिए उंगलियों पर। पाणिनि व्यक्रियन्ते शब्दा अनेनिति व्याकरणम्, पतंजलि, या तो ये प्रश्न आएगा पतंजलि ने व्याकरण की परिभाषा क्या दी, लक्ष्य लक्षण व्याकरणम्, या प्रश्न आएगा कि महाभाष्यम में व्याकरण की क्या परिभाषा है, तो यह ना ये आएगा, बात एक ही है। या फिर प्रश्न ये आएगा पतंजलि ने लक्ष्य लक्षण व्याकरण जो परिभाषा दी है उसमें लक्षण शब्द का तात्पर्य क्या है। अरे समझ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। हम कह रहे हैं लक्षण क्या है, संस्कृत व्याकरण की बात करें, रटना कुछ भी नहीं है। देखो मेरी क्लास में हो तो रटना मत, है ना, मैं हूं फिर भी आप रट रहे हो तो फिर मेरे होने का तो कोई मतलब नहीं है ना। रट तो मेरे बिना भी सकते थे आप, मेरे साथ हो तो कुछ नया होना चाहिए। हम कह रहे हैं पतंजलि ने महाभाष्य में कहा है कि लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, तो यहाँ पर लक्षण शब्द का तात्पर्य क्या है यदि आपसे ये पूछा जाए तो। देखो व्याकरण की किताब है ये, है ना, महाभाष्य किसकी किताब है? व्याकरण की। व्याकरण में लक्षण क्या होगा, ध्यान दो, व्याकरण में लक्षण क्या हो सकता है? नॉर्मल कोई किताब होती है उसमें लक्षण होता है, लक्षण यानी कि परिभाषा। नॉर्मल सी कोई बुक होती है ना तो उसमें लक्षण का मतलब क्या है? परिभाषा। लेकिन व्याकरण की किताब में तो लक्षण शब्द का तात्पर्य हो जाएगा कौन? सूत्र। व्याकरण तो सूत्र है ना, व्याकरण में तो सूत्र है बहुत सारे, तो आपको याद रखना है कि व्याकरण में तो लक्षण हो जाएंगे कौन? सूत्र। लक्षण यानी नियम, और व्याकरण के नियम तो क्या कहलाते हैं? सूत्र, ठीक है। और लक्ष्य यहाँ पर हो जाते हैं कौन? उदाहरण। सूत्र और उनके उदाहरण दो ही तो चीज होती है व्याकरण में, रटना नहीं है, 2 मिनट और लगाओ कोई बात नहीं। व्याकरण की किताब में जो लक्षण होते हैं उनको हम लोग सूत्र कहते हैं, तो व्याकरण में सूत्र और उदाहरण ही तो है, कंफर्म ये प्रश्न आएगा। लक्षण और सूत्र को हाईलाइट करो। हो चुका, चलिए आ जाइए। पतंजलि ने कह दिया है लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम्। पाणिनि पतंजलि तीसरे हैं आनंदवर्धन, जहां से कि प्रश्न आएगा। तीसरे व्यक्ति हैं आनंदवर्धन, जहां से कि प्रश्न आएगा। ध्यान देना बच्चों, में आपको आनंदवर्धन अब मैंने उठाया है तो आनंदवर्धन की जितनी बातें मैं जानती हूँ वो सारी भी यहाँ पर बताऊंगी, है ना, क्योंकि अपन गोल टू सोल विषय पढ़ रहे हैं। अब आनंदवर्धन किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? कंफर्म, वो जो चीजें पहली पढ़ी अब रिकॉल होती चली जाएंगी, याद रखना। आनंदवर्धन किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो ध्वनि संप्रदाय। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम क्या है? ध्वन्यालोक। इनके अनुसार काव्य का लक्षण क्या है? काव्य से आत्मा ध्वनि ही, है ना। ये सारी चीजें आपको साहित्य में भी पूछी जाएंगी, याद रखना। तो साहित्य वाली बात कर लें एक बार, होल टू सोल पढ़ना, या फिर नहीं मैडम आनंदवर्धन की व्याकरण वाली बात ही बताओ, आप क्या चाहते हैं आप बताओ? होल टू सोल चाह रहे हो ना, या फिर आप चाह रहे हो कि नहीं मैडम आनंदवर्धन की व्याकरण वाली बात ही बताओ, वो साहित्य में पढ़ लेंगे, ऐसा तो नहीं है? होल टू सोल बताती चली जाऊं ना, क्योंकि मेरा जो नॉलेज है ना मैं उसको कम करके नहीं बता सकती कभी भी, मुझे होल टू सोल बताने की आदत है। आप भी सीखो, आपको तो बहुत ज्यादा फायदा होगा इससे। आनंदवर्धन एक व्यक्ति है।
आनंद वर्धन जो व्यक्ति है उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ लिख रहे हैं ना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है? आनंद वर्धन एक तो है ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक, बिल्कुल आनंद वर्धन जो व्यक्ति है एक तो ये है ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक, ठीक है। दूसरी इसकी बुक की बात करें तो बुक का नाम है कौन? ध्वन्यालोक। तीसरी यदि हम लोग बात करें कि ये तो इसकी तो काव्य की परिभाषा क्या है? काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही। और मैं फिर आपसे यदि ये पूछूं, आराम से आंसर दो, ध्वन्यालोकार सुना सुनाई दे रहा है? ध्वन्यालोकार आचार्य आनंद वर्धन ने अपनी जो परिभाषा दी है काव्यस्य आत्मा ध्वनि, उसमें ध्वनि शब्द का क्या तात्पर्य है? क्या है? तो फिर अब इस लेवल की तैयारी नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? करनी है इस लेवल की तैयारी। हम कह रहे हैं आनंद वर्धन ने, आनंद वर्धन के अनुसार काव्य से आत्मा ध्वनि में ध्वनि शब्द का तात्पर्य क्या है? यहाँ ध्वनि शब्द का तात्पर्य व्यंग्यार्थ है। ध्वनि शब्द का तात्पर्य क्या है? व्यंग्यार्थ। दो तरह के अर्थ होते हैं किसी भी भाषा में, एक तो वाच्यार्थ होता है और एक होता है कौन? व्यंग्यार्थ। वाच्यार्थ वो है जैसे कि कोई बच्चा, जैसे अभी अपनी क्लास का समय रहता है जनरली 10 बजे, और कोई यदि 10:52 हो रहे हैं अभी और 10:52 पे आया पीछे से और मुझे नमस्ते करता है, मैंने कहा आ गए, अरे समझ में, तो आ गए का तात्पर्य आ गए ये नहीं था, आ गए में मैंने, मेरा टोन सुना आपने, आ गए ये टोन था ना, एक अलग तरह का टोन था जो कि इंसल्टिंग था, इंसल्ट फील हुई, मैडम ने कहा अच्छा आ गए मतलब हाँ लेट लतीफ हो तुम आ गए, तो यहाँ पर एक इंसल्टिंग वाली भाव थी, यहाँ वाच्यार्थ नहीं था, यहाँ तो था कौन? व्यंग्यार्थ था। और ये व्यंग्यार्थ ही चमत्कार जनक होता है, इसी को पाठक सुनना और पढ़ना पसंद करते हैं। ध्यान देना, इंटरेस्ट जो बना रहता है ना किसी चीज में, वो इंटरेस्ट कौन क्रिएट करता है? तो व्यंग्यार्थ ही क्रिएट करता है। तो तो आनंद वर्धन हमसे कह रहे हैं कि काव्य की आत्मा तो ध्वनि है, और ये ध्वनि तो वो है जो कि कौन है? व्यंग्यार्थ है, ठीक है। यहाँ ध्वनि शब्द का तात्पर्य क्या है? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें आपसे पूछा जाएगा।
के प्रथमो ही विद्वांसो वैयाकरणा नाम किसने लिखा? प्रथमो ही विद्वांसो वैयाकरणा नाम, इस संसार में प्रथम विद्वान व्याकरणज्ञ हैं। इस संसार में बहुत सारे विद्वान हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विद्वान कौन है? व्याकरण वाले हैं। क्यों? क्योंकि व्याकरण तो सभी विद्या नाम मूलत्वात्, सभी विद्याओं का कौन है? मूल है। आया कुछ समझ में? पिछली बार था ऐसा कंटेंट आपके पास? वी उपसर्ग पूर्वक, आंग उपसर्ग पूर्वक, क्री धातु से ल्युट कर प्रत्यय करने पर व्याकरण, बस बढ़ो आगे, है ना। रैंक लानी है तो ये वाली प्रिपेशन चाहिए। हम बात कर रहे हैं प्रथमो ही विद्वांसो वैयाकरणा नाम किसने कहा, तो आनंदवर्धन ने। कौन से ग्रंथ में कहा है? तो ध्वन्यालोक में। और इसके आगे वाली लाइन भी याद करनी पड़ेगी, बाई दिवे इस बार ये दिया जाए, व्याकरण मूलत्वात सर्व विद्या नाम। व्याकरण मूल है सभी विद्याओं का, सभी विद्याओं का मूल कौन है? व्याकरण है। इसीलिए आनंदवर्धन ने व्याकरणज्ञ यानी जो व्याकरण के ज्ञाता हैं इनको सबसे ज्यादा विद्वान कहा इस संसार में। बहुत इंपॉर्टेंट बात। आगे बढ़ जाइए जल्दी से, कंटेंट याद करते रहिएगा, है ना। चौथी बात व्याकरण की, फिर महत्व की बता रहे हैं। पतंजलि ने महाभाष्यम में प्रत्येक व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से, निष्कारण तो निस्वार्थ भाव से, व्याकरण पढ़ने का कथन किया है। है समझ में? कि संसार में ऐसा नहीं कि आप आरपीएससी के एग्जाम दे रहे हो इसलिए आप व्याकरण पढ़ो, या फिर आपको व्याकरणज्ञ बनना है इसलिए व्याकरण पढ़ो। आप तो निस्वार्थ भाव से, हर व्यक्ति को संस्कृत का व्याकरण पढ़ना ही चाहिए, ऐसा कहा है किसने? पतंजलि ने। ब्राह्मणेन यानी ब्राह्मण को निष्कारण तो बिना किसी स्वार्थ के, धर्म यानी धर्म के, षड अंगो यानी छह अंग, धर्म के छह अंग यानी कि छह वेदांग, षड अंगों का तात्पर्य छह वेदांगों को, और वेदों यानी चार वेदों को ज्ञेयश्च जानना चाहिए। चार वेद और छह वेदांगों को बिना किसी स्वार्थ के भी यदि ब्राह्मण हो तो पढ़ना ही चाहिए, ऐसी अनिवार्यता कही किसने? पतंजलि ने। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख दीजिए, आगे बढ़ जाइए। फिर लिखें
पूरा कंटेंट याद है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है? फिर से बात करें, हम सबसे पहले बात कर रहे थे, सबसे पहले एक व्यक्ति आया, लिख चुके सभी? जल्दी लिखने में स्पीड रखो ताकि याद करने पे हम लोग जोर दे सके, है ना? सबसे पहले आए कौन? पतंजलि। पतंजलि, सॉरी पाणिनि। पाणिनि ने क्या कह दिया था? व्यक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। जल्दी मत भागो, कई जगह जल्दी जाना बेकार होता है ना, सही बात है ना? जहां जिस स्पीड से पहुंचना है उसी स्पीड से पहुंचो, पढ़ाई में थोड़ा धीरे गति से पहुंचो अच्छा है, लर्निंग में थोड़ा सा धीरे गति से आराम से चीजों को समझते हुए पहुंचो अच्छा है। हम लोग बात करें सबसे पहले व्यक्ति की, जिनका की नाम कौन है? पाणिनि। पाणिनि ने क्या 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 कह दिया? व्यक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। दूसरा व्यक्ति पतंजलि ने क्या बोला? लक्षण कौन है? लक्षण कौन है? तीसरा व्यक्ति कौन? आनंद वर्धन किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? कौन सा ग्रंथ लिखा? बन्यालोक। बन्यालोक ग्रंथ में उन्होंने काव्य का लक्षण क्या दिया है? काव्य से आत्मा ध्वनि ही। फिर हम कह रहे हैं ध्वनि शब्द का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? तो ध्वनि कौन है यहाँ पर? व्यंग्यार। व्यंग्यार जो कि चमत्कार जनक होता है। अब हम लोग कह रहे हैं कि आनंद वर्धन ने तो अपने ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में लिखा है कि प्रथमो ही विद्वांसो व्याकरणानाम, यानी कि व्याकरणज्ञ जो हैं वो सबसे पहले विद्वान थे। ऐसा कौन सी बुक में लिख दिया? तो ध्वन्यालोक में। किसने लिख दिया? तो आनंद वर्धन ने। किसकी परिभाषा है, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ गए, हम चौथे नंबर पे बात करें पुनः किसकी? पतंजलि की। और पतंजलि तो कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो कि ब्राह्मण है उसको चार वेद और छह वेदांगों का अध्ययन तो बिना किसी निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लोभ लालच के, ऐसा नहीं कि मेरे एग्जाम में आएगा इसलिए मैं पढ़ूं। आप मुझे ये बताइए, यदि आप आरपीसी संस्कृत फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं कर रहे होते तो क्या आप संस्कृत व्याकरण पढ़ते? नहीं पढ़ते। और यदि मेरा विषय नहीं होता, मेरा कोई और विषय होता तो शायद मैं भी नहीं पढ़ती और ना पढ़ाती। तो ये प्राचीन समय की बात है जहां पर शिक्षा धनोपार्जन के लिए नहीं अपितु ज्ञानार्जन के लिए थी। आ रहा है समझ में? ज्ञानार्जन के लिए जब शिक्षा होती है ना, तो वहां पर हमें निस्वार्थ भाव से कोई भी ग्रंथ पढ़ना होता है, तो पतंजलि ने उसी की बात कही है। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य लक्षण है व्याकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है कि व्याकरण का शुद्ध ज्ञान ही हमें अर्थ ज्ञान करवाता है। यदि किसी व्यक्ति को व्याकरण का शुद्ध ज्ञान है ना, तभी वो अर्थ ज्ञान कर पाएगा, तभी वो शब्दों के अर्थ निकाल पाएगा। तो लिख दीजिए, व्याकरण का शुद्ध ज्ञान ही अर्थ ज्ञान करवाने में समर्थ है।
दीजिए, बोर्ड पर आ जाइए। हम कह रहे हैं व्याकरण का शुद्ध ज्ञान यदि किसी को है तभी वो अर्थ ज्ञान कर पाएगा। यहाँ पर व्याकरण का महत्व देते हुए कहा गया है। एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा, यद्यपि बहु ना अधीते अधीशे तथापि पटपुत्र रिक्त स्थान। हे पुत्र यद्यपि तुम ज्यादा मत पढ़ो फिर भी, हे पुत्र पठ यानी पढ़ो क्या व्याकरणम, तो व्याकरण की जगह रिक्त स्थान आ सकता है, ऐसा आ सकता है। या फिर यद्यपि बहु ना अधीशे, इतना देकर एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि यहाँ पर किसका महत्व बताया गया है, तो व्याकरण का। अब देखो इस श्लोक का अर्थ क्या है, बहुत फेमस हो चुका है श्लोक। ये हमसे कह रहे हैं यद्यपि बहु ना अधीशे, हे पुत्र, कोई पिता अपने पुत्र से कहता है कि हे पुत्र, या फिर कोई गुरु भी अपने शिष्य से कह सकता है कि हे पुत्र यद्यपि बहु ना अधीशे, यद्यपि तुम बहुत सारे ग्रंथों को मत पढ़ो, तथापि यानी फिर भी, हे पुत्र व्याकरणम पठ, यानी तुम तो व्याकरण तो पढ़ो ही पढ़ो। क्यों? क्योंकि व्याकरण पढ़ने से ही शुद्ध ज्ञान होगा। व्याकरण पढ़ोगे तो स्वजन, स्वजन यानी परिवारजन, स्वजन ये अपना ही स्वजन है, ये अपने परिवार का ही जन है, अपने परिवार का ही एक सदस्य है। अच्छे से देखना, स्वजन कहते हैं परिवार के किसी व्यक्ति को, और स्वजन कहते हैं कुत्ता। सकल शब्द का मतलब है पूरा, और शकल शब्द का मतलब है कौन, टुकड़ा। सकृत शब्द का तात्पर्य है एक बार, सकृत यानी एक बार, और सकृत का एक अर्थ है कौन, सोच। आ रहा है समझ में? हमसे कह रहे हैं कि हे पुत्र बहुत ज्यादा मत पढ़ो तब भी तुम व्याकरण तो पढ़ लो, ताकि तुम स्वजन की जगह स्वजन ना कह दो। किसी से आप अपने परिचय करवाने के लिए जाओ, कोई अपने अपना लड़का है ना, अपन लड़के वाले हैं, कोई लड़की वाले आए हुए हैं, ठीक है, तो चाचा जी मामा जी, नॉर्मल सी बात है, जब भी संबंध बनता है ना किसी एक परिवार का दूसरे परिवार से, तो चाचा जी मामा जी फूफा जी ऐसे लोग तो आते ही हैं, तो यदि उनको व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो ये अपना ही स्वजन है। आ रहा है समझ में? स्वजन की जगह उन्होंने स्वजन कह दिया, तो ये अपना ही कुत्ता है। स्वजन स्वजन महाभूत सकल। यदि मम्मी ने हलवा बनाया और मम्मी ने कहा बेटा तुम कितना खाओगे, तो हमें कहना तो था कितना, सकल खाऊंगा, लेकिन सकल की जगह अपने मुंह से निकल गया शकल। तो जाके प्याली में देखा तो एक इतना सा शकल पड़ा हुआ था, चीटी खाए इतना। मम्मी ने कहा तुमने तो शकल नहीं बोला था, तुमने तो शकल बोला था, तो शकल जितना ही मिलेगा ना। सकृत यानी एक बार। अब एक बार की जगह यदि आप उसको सकृत को शकृत बोल देते हैं तो वो हो गया शोच यानी कि मलमूत्र। तो कुल मिलाकर यहाँ अर्थों का अनर्थ हो जाएगा यदि आपने क्या नहीं पढ़ा, व्याकरण नहीं पढ़ा। इसीलिए अर्थ ज्ञान के लिए क्या पढ़ना आवश्यक है, व्याकरण। चलिए बढ़ते हैं आगे, हिंदी अर्थ लिख दीजिएगा। नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है ना, इट्स इन प्रोसेस। कुछ भी हो सकता है भविष्य में, याद रखिएगा। कई बार ऐसा ना हो कि आपसे इंटरव्यू में कुछ पूछ लिया जाए, या फिर आप कहीं अध्यापक बन के जाते हो और वहां आपसे पूछ लिया जाए कि इस श्लोक में ये जो शब्द हैं इनके अर्थ क्या हैं। ध्यान दीजिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, विषय तैयार कीजिए। आ रहा है समझ में? विषय तैयार कीजिए, विषय के ज्ञाता बने। लिख दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए हो चुका होगा, आगे आ जाइए। संस्कृत व्याकरण की भूमिका की बात कर रहे हैं। संस्कृत व्याकरण में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं अभी तो, है ना। प्रवेश करने में 2 दिन निकाल दूंगी मैं, 2 दिन के बाद प्रवेश करवाऊंगी, इतना सारा मैटर प्रवेश करने से पहले है, जहां से कि प्रश्न आता है हमेशा, है ना, ये सब प्रश्न ही है आपके। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं व्याकरण की परंपरा के बारे में। व्याकरण जब शुरू हुआ ना, तो व्याकरण की 2 परंपराएं थी।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, व्याकरण की परंपराएं। टाइटल डाल दीजिएगा व्याकरण की परंपराएं। व्याकरण की परंपराएं क्या हैं? व्याकरण जब स्टार्ट हुआ तो कितने भागों में बटा, किस किस तरीके से चला व्याकरण, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट। जब इस संसार में पहली बार व्याकरण प्रवृत्त हुआ तो व्याकरण को दो मत वालों ने प्रवृत्त किया, दो मत हो गए, एक हो गया बारहस्पत्य परंपरा और दूसरा हो गया माहेश्वरी परंपरा। यदि मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान समय में हम जो व्याकरण पढ़ रहे हैं वो किसको आधार मान के पढ़ रहे हैं, कौन सी शाखा के हैं हम? माहेश्वरी परंपरा के हैं हम लोग, क्योंकि माहेश्वरी यानी माहेश्वर सूत्र, तो हम लोग तो इसकी परंपरा के हैं ना। यदि आपसे पूछा जाए वर्तमान में ये जो व्याकरण हमें पढ़ाया जा रहा है वो किस शाखा के हैं या फिर हम लोग कौन सी शाखा को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि हम लोग माहेश्वरी परंपरा, माहेश्वर सूत्र से व्याकरण निकली है ऐसा मानने वाले, माहेश्वर सूत्र से ही व्याकरण निकली है ऐसा मानने वाले लोग हो गए कौन? माहेश्वरी परंपरा यानी शिव भक्त। ये शैवोपासक जितने भी लोग हैं ना उन लोगों का संप्रदाय था, ठीक है। माहेश्वरी और बारहस्पत्य, बारहस्पत्य परंपरा के प्रवर्तक हैं शाकटायन। इसके प्रवर्तक हो गए कौन? शाकटायन, जिन्होंने ऋक तंत्र लिखा है, ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने लिखा है क्या? ऋक तंत्र। याद करना एक एक कंटेंट, न्यूज़पेपर जैसे रीडिंग मत लगाना है ना। और ये मानते हैं कि ब्रह्मा ही व्याकरण के आदि प्रवर्तक हैं। ये मानते हैं कि ब्रह्मा ही व्याकरण के आदि प्रवर्तक हैं। इस शाखा को ध्यान देना, बारहस्पत्य शाखा तो बनाई शाक्तायन ने, और शाक्तायन अपना भी गुरु मान रहे हैं किसको? ब्रह्मा को। तो वो कह रहे हैं बारहस्पत्य शाखा के प्रवर्तक तो कौन है? बारहस्पति शाखा के प्रवर्तक तो कौन है? शाक्तायन। और इनका मत है कि ये जो व्याकरण है इस संसार में ये किसने चलाया? ब्रह्मा ने। अलग अलग बातें हुई दोनों, कंफ्यूज तो नहीं हो? यदि आपसे पूछा जाए बारहस्पति परंपरा के प्रवर्तक कौन है तो शाक्तायन, ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा तो ये कह रहे हैं संपूर्ण व्याकरण के प्रवर्तक कौन है? ब्रह्मा। संपूर्ण व्याकरण के प्रवर्तक कौन है? ब्रह्मा। और ये लोग कह रहे कि संपूर्ण व्याकरण के प्रवर्तक कौन है? शिव। ये मानकर लोगों में डिस्प्यूट हो गया, दो अलग अलग मत हो गए। तो समझ पा रहे हैं आप लोग व्याकरण के प्रवर्तक कौन है? इस बात को लेकर दो लोगों में विवाद हो गया। एक लोग कह रहे हैं कि व्याकरण के आदि प्रवर्तक तो कौन है? ब्रह्मा। दूसरे लोग कह रहे हैं कि कौन है? शिव। इस बात को लेकर मतभेद हुआ। तो संपूर्ण व्याकरण दो भागों में बट गई, कौन कौन सी? बारहस्पत्य परंपरा और माहेश्वरी परंपरा। अब बारहस्पत्य परंपरा को जिसने आगे ले गए, जो आगे चलाया जिन्होंने, वो थे कौन? शाक्तायन नाम के व्यक्ति, जो अपने गुरुजी के बारे में कह रहे कि नहीं मैं तो ब्रह्मा का प्रवर्तक हूँ, मतलब मैं तो ब्रह्मा का फॉलोअर हूँ और ब्रह्मा ही व्याकरण के आदि प्रवर्तक है। कुछ आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ में? आ रहा है ना, चलिए आगे बढ़े। अब क्या हुआ? ये कह रहे थे कि ब्रह्मा तो व्याकरण के आदि प्रवर्तक हैं, जबकि ये कह रहे हैं इंद्र
व्याकरण के प्रथम प्रयोक्ता हैं। इंद्र व्याकरण के प्रथम प्रयोक्ता हैं। व्याकरण को जिसने पहली बार यूज किया वो व्यक्ति कौन था? इंद्र। है ना, भारद्वाज आदि समर्थक थे इसके, इस मत के समर्थक कौन थे? और भारद्वाज ऋषि। भारद्वाज ऋषि भी इस मत के समर्थक हैं। हो जाएगा ना। माहेश्वरी परंपरा के लोगों का मानना है कि महेश्वर यानी शिव ही व्याकरण के आदि प्रवर्तक हैं। सेम इधर की बातें उधर लगे लगा लेते हैं। चलो जाइए, सेम बात करें। इधर इधर प्रवर्तक कौन है? शाक्तायन। तो इधर हम लोग बात करेंगे पहला मूल व्यक्ति कौन हो गया? पाणिनि। जैसे यहां शाक्तायन है ना, तो उधर कौन है अपना? पाणिनि। और यहां शाक्तायन ने कहा कि ब्रह्मा व्याकरण के आदि प्रवर्तक हैं, तो यहां कहेंगे कौन? ये कह रहे हैं कि शिव व्याकरण के आदि प्रवर्तक है हमारी नजर में। तो आदि प्रवर्तक या प्रथम व्याकरण, हमारी नजर में तो कौन? शिव ही प्रवर्तक और आदि और प्रथम व्याकरण है, ऐसा कहा किसने? पाणिनि ने। पाणिनि इस मत को आगे लेके जा रहे हैं और वो कह रहे हैं शिव ही व्याकरण के आदि प्रवर्तक और प्रथम व्याकरण है, यानी हमारी नजर में तो सर्वे सर्वा कौन है? शिव है। और इनके समर्थक हो गए कौन? कात्यायन, पतंजलि, भट्टोजी दीक्षित और उनके शिष्य वरदराज। कंटेंट याद करो, है ना। कोई भी समस्या आ रही है तो मुझसे बात करें, है ना। कैसा लग रहा है कंटेंट ये बताओ एक बार। अच्छा लग रहा है ना, चीजें क्लियर होती जा रही है ना। बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं हम लोग। इसके बाद मुझे नहीं लगता किसी और से आपको व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। शुरू करें हम लोग, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि संसार में जब व्याकरण जन्मी तो नॉर्मल सी बातें, विवाद हर जगह होते हैं। कहीं पर भी एक से ज्यादा लोग हैं तो विवाद होंगे, नॉर्मल सी बात है। और यहाँ पर व्याकरण के आदि प्रवर्तक कौन है इसको लेकर विवाद चल पड़ा। एक तो थे शाक्तायन, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा शाक्तायन प्रवर्तित व्याकरण परंपरा का। समझ में आ रहा है? संस्कृत सुनने और लिखने बोलने की आदत डाल लो आप लोग, है ना। शाक्तायन प्रवर्तित व्याकरण परंपरा का, शाक्तायन के द्वारा प्रवर्तित व्याकरण की परंपरा कौन सी है? तो बारहस्पत्य। बारहस्पत्य बृहस्पति के संतान ने बारहस्पत्य कहलाई।
अरे समझ में क्या नाम है, बारहस्पत्य। और दूसरे लोगों ने कहा कि नहीं हमारी नजर में तो यानी कि मुनित्रय, पाणिनि कात्यायन पतंजलि यानी मुनित्रय कह सकते हैं। मुनित्रय ने कहा कि नहीं हमारी नजर में तो व्याकरण को पहली बार यूज करने वाले, व्याकरण को पहली बार लाने वाले व्यक्ति कौन है, महेश्वर यानी कि शिव हैं, और हम तो महेश्वर सूत्र को फॉलो करेंगे और महेश्वर सूत्र से व्याकरण बनाएंगे। ऐसा कहने वाले लोग हो गए कौन, माहेश्वरी परंपरा। यानी कि मैं तो कहती हूँ कि मैं आप और हम लोग जो है ना वर्तमान में, वो सब हम लोग किसके फॉलोअर हैं, तो माहेश्वरी परंपरा के। अपना अस्तित्व भी तो आज पता चला हमें, अपना अस्तित्व भी तो आज ही पता चल रहा है कि भाई हम लोग किसके साथ हैं। पहले तो हम लोग किसी के साथ नहीं थे, बस हम लोग तो आरपीएससी के साथ हैं, लेकिन आज पता चला कि हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हम लोग किसके फॉलोअर हैं, माहेश्वरी परंपरा के। एकदम आराम से पढ़ो, है ना, मस्त हो। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, आइए। मुनित्रय के द्वारा प्रवर्तित व्याकरण की परंपरा कौन है? आ रहा है समझ में? मुनित्रय यानी कि इधर पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भट्टोजी दीक्षित, वरदराज, ये पूरी की पूरी श्रृंखला की बात कर रहे हैं। मुनित्रय नाम आ गया, पाणिनि नाम आ गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बारहस्पत्य परंपरा, सॉरी माहेश्वरी परंपरा, माहेश्वरी परंपरा, ठीक है ना। फिर यदि हम लोग बात करें शाक्तायन की, शाक्तायन प्रवर्तितः व्याकरण परंपरा का, शाक्तायन के द्वारा प्रवर्तित व्याकरण की परंपरा कौन सी है, तो बारहस्पत्य। ऐसे क्वेश्चन आ जाते तो फिर यदि बेसिक इंट्रोडक्शन पता नहीं है तो बहुत ज्यादा माइनस मार्किंग में जाओगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसीलिए ध्यान रखना, 2 पेज का सिलेबस तो नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, हम पढ़ रहे हैं विषय, संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं। ना सेकंड ग्रेड है, ना फर्स्ट ग्रेड है, ना थर्ड ग्रेड है, ना रीच है, ना वर्ग एक है, ना LT है, कुछ भी नहीं है, विषय पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। एग्जाम में कई बार प्रश्न आया है आप लोगों में से। अब चलो एक काम और करते हैं, आज से आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स को मैंने अपने बर्थडे पर विशेष उपहार के रूप में यहां से एक ऑल स्टेट एग्जाम कोर्स दिया था? ठीक है, इतनों को दिया है ना, जिनको नहीं दिया है उनको कल दे देंगे। जिनको ये बर्थडे में तो आप शामिल नहीं थे, है ना, लेकिन फिर भी आप जो यहाँ पर जो भी आएगा ना फ्यूचर में, उसको आपको ये कोर्स यहाँ से निशुल्क दिया जाएगा, जिसमें कि सभी राज्यों के पुराने प्रश्न पत्र का समावेश है, वो निशुल्क दिया जाएगा। तो कल हम लोग एक बार के लिए प्लान करके, कल या जब भी निकट भविष्य में, जब भी संभव होगा, 1-2 दिन में हम लोग प्लान करके आपको दे देंगे। अब वहां से करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, यदि आपका संज्ञा प्रकरण वाला टॉपिक पूरा होता है तो संज्ञा प्रकरण के जितने भी प्रश्न आपको उस टॉपिक से मिलते हैं वो सॉल्व करो। यानी हमारी टेस्ट सीरीज से तो करना ही है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से तो, लेकिन वहां जाकर भी करो कि यदि दूसरे राज्य का भी कोई विद्वान है तो वो क्या सोचता है कंटेंट के बारे में, वो किस प्रकार से प्रश्न उठाता है ना। कोई भी फेल होने का एक भी ऑप्शन मत छोड़ो इस बार। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मुनित्रय ने क्या कहा, मुनित्रय ने कहा है कौन सी, माहेश्वरी, और शाक्तायन ने कहा है कौन, बारहस्पत्य परंपरा।
आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एग्जाम में पूछा गया है, अदर स्टेट एग्जाम में पूछा गया है कि पाणिनि ने, लिखिएगा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी में कितने व्याकरणों स्मरण किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम लोग बात कर रहे हैं कि पाणिनि जो हैं, उन्होंने तो अपने अष्टाध्यायी में 10 व्याकरणों का समर्थन किया है, स्मरण किया है। कितने? 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में 10 व्याकरणों का समर्थन करते हुए कहा है, ऐन्द्रम चांद्रम क्राश कृत्स्नम कौमारम शाक्तायनम, है ना, इस प्रकार से सभी का स्मरण किया। और वो कितने लोग हैं? 10। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। दस व्याकरणों का, ठीक है, बढ़े आगे। दस व्याकरणों का समर्थन किया है, आगे बढ़ जाइए। हम कह रहे हैं बारहस्पत्य एवं माहेश्वरी, दोनों परंपराओं के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? एग्जाम में आ सकता है कि यदि हम लोग इन दोनों को मिला लें, हम तो विवाद लेकर दोनों अलग अलग हो गए ना, एक बारहस्पत्य, एक एक कौन, माहेश्वरी। बारहस्पत्य में कौन थे? शाक्तायन। और माहेश्वरी में कौन थे? मुनीत्रय। तो हम अलग अलग हो गए, तो यदि हम इन दोनों को मिला लें, यानी कि इनसे पहले जो विवाद होने पर अलग हुए, विवाद होने से पहले ये क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था नव्य व्याकरण, ध्यान दीजिएगा। तो बारहस्पत्य और माहेश्वरी दोनों परंपराओं के सम्मिलित रूप को नव्य यानी नया व्याकरणम, नव्य व्याकरणम कहा जाता है। नव्य व्याकरण कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रश्न पूछा जाएगा नव्य व्याकरण में कितनी शाखाएं हैं, निम्नांकित में से कौन सी शाखा नव्य व्याकरण में नहीं है, है ना, अच्छे से याद करें। बारहस्पति और माहेश्वरी दोनों परंपराओं के सम्मिलित रूप को नव्य व्याकरण कहते हैं। बहुत लेवल का प्रश्न। नव्य व्याकरण में कौन सी शाखा नहीं है, कितनी शाखाएं हैं, कुल मिलाकर सब कुछ याद करने के लिए एक ही चीज है कि रजिस्टर जो है वही आपका भगवान है आज से, है ना, रजिस्टर ये आपका भगवान है। पर डे रिविजन करना है, एक एक चीज को बिल्कुल घोट के मिल्क शेक बना के पी जाओ, जब तक अपनी बॉडी में नहीं होगा ना, अपने अंदर चला जाएगा तो हाँ शांति, बस यहां से नहीं निकल सकता आप, है ना, वो चीज कर लीजिए आप। और आप आज तक करते आए हैं न्यूज़पेपर जैसे रीडिंग लगाते आए हैं आप, है ना, तो उसका रिजल्ट भी आपने देख लिया है। एक बार मेरी नजर में ये करके देखो कि कंटेंट को कंठस्थ करके देखो। समझाते तो हम हैं, समझाने के साथ साथ कंटेंट याद होगा तो मतलब वाली बात है। कंफर्म हो चुका? फिर से बात करें फास्टली, हम लोग ये कह रहे थे कि व्याकरण जब जन्मा वर्तमान समय में, तब तो ये था कौन, नव्य व्याकरण। लेकिन हुआ ये कि कुछ समय के पश्चात दो शाखाएं हो गई, मतभेद हो गए। एक ने कहा कि मेरे तो गुरुजी कौन है, मेरे तो गुरुजी ब्रह्मा है, आ रहा है समझ में, मेरे तो गुरुजी कौन है, ब्रह्मा है।
दूसरे ने कहा मेरे तो गुरुजी कौन है, शिव है। तो जिन्होंने कहा कि मेरे गुरुजी ब्रह्मा है वो हो गए बारहस्पत्य परंपरा, और ऐसा कहने वाला व्यक्ति हो गया कौन, शाक्यायन। दूसरी तरफ मुनि त्रय जो है पाणिनि कात्यायन पतंजलि, ये कहने लगे कि नहीं हमारे गुरुजी तो कौन है, शिव है, तो हमारी परंपरा हो गई कौन, माहेश्वरी परंपरा। और माहेश्वरी परंपरा में पाणिनि कात्यायन पतंजलि भट्टोजी दीक्षित वरदराज इत्यादि सभी हैं। यानी कि मैं तो ये कहती हूँ कि वी आर ऑल है ना, हम लोग सब भी किसके फॉलोअर हैं, तो माहेश्वरी परंपरा के। अपना वजूद भी हमें आज पता चल रहा है। फिर हम लोग बात करें सम्मिलित रूप से, तो ये था कौन है, नव्य व्याकरण। अब यहाँ पर दो परंपराएं जो हैं वो भी अच्छे समझ में आ गई। अब जब पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा तो उन्होंने कहा कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना परंपराओं वाली बात, ये तो नव्य व्याकरण है, लेकिन इससे पहले भी तो व्याकरण आया होगा। तो उस समय सबसे पहले जब व्याकरण आया तो 10 व्याकरण जो थे उन्होंने मिलकर व्याकरण को लाए, वो व्याकरण को मिलकर लाए हैं। तो 10 व्याकरणों का नाम उन्होंने सम्मान से लिया है, कहां पर, अपनी अष्टाध्यायी में। रहेगा याद, स्टोरी वाइज याद करो, टेंशन लेकर तो पढ़ना ही क्या, ठीक है। बिल्कुल व्याकरण का बेसिक इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि व्याकरण के प्रयोजन। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर व्याकरण के प्रयोजन के बारे में, यानी कि व्याकरण को पढ़ने का क्या लाभ है, व्याकरण पढ़ने से क्या लाभ हो सकते हैं, व्याकरण के प्रयोजन, ठीक है, या फिर व्याकरण को पढ़ने से क्या लाभ है। आपसे पूछा जाए व्याकरण के प्रयोजन, सर्वप्रथम किस व्याकरण द्वारा दिए गए, व्याकरण के प्रयोजन सर्वप्रथम किस व्याकरण के द्वारा दिए गए। तो ध्यान देना, पाणिनि ने प्रयोजन की बात नहीं कही है, रहेगा याद, प्रयोजन की बात पाणिनि ने नहीं कही है। प्रयोजन की बात सबसे पहले महाभाष्यम में आई, और किसने दी है, तो पतंजलि ने। रहेगा पाणिनि याद है ना, पाणिनि को याद नहीं रखना है, पाणिनि बिल्कुल नहीं बोले हैं, पतंजलि बोले हैं पहली बार प्रयोजन के बारे में। तो व्याकरण के प्रयोजन हम बात कर रहे हैं सर्वप्रथम, पतंजलि ने महाभाष्यम में, सर्वप्रथम पतंजलि ने महाभाष्यम में व्याकरण के पंच प्रयोजन बताए हैं। सर्वप्रथम पतंजलि ने व्याकरण के पंच प्रयोजन बताए हैं। आपसे पूछा जा सकता है व्याकरण के प्रयोजन किसने बताए, तो पतंजलि राइट करें। व्याकरण के प्रयोजनों का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ, महाभाष्यम में। हाइलाइटर रखो हाथ में, फटाफट से हाइलाइट करो, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाने दूंगी, है ना, जिद है मेरी, और कई मामलों में जिद्दी बनना बहुत अच्छा होता है। एक जिद मैंने पाली है कि मैं अपने कंटेंट से मैटर बाहर नहीं जाने दूंगी, तो एक जिद आप भी पाल लो। क्या पाल रहे हो, पास होकर ही रहना है, ये जिद आप भी तो पालो, जिद से ही तो चीजें सही होती हैं। एक छोटा बच्चा जिद ठान ली ना उसने कि मुझे आज ये खिलौना चाहिए, तो पूरी दुनिया एक तरफ और वो बच्चा एक तरफ, मानते हो, उसकी जिद पूरी होगी, पूरी चाहे पूरी दुनिया एक तरफ क्यों ना हो जाए, तो जिद पालना अच्छी बात है। मैंने अपनी जिद पाल ली, आप भी शुरू हो जाओ। हम कह रहे हैं सर्वप्रथम पतंजलि ने महाभाष्य में व्याकरण के पंच प्रयोजन बताए हैं। व्याकरण के कितने प्रयोजन बताए हैं, पांच। किसने बताए हैं, पतंजलि ने। सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक में बताए हैं, तो महाभाष्य में। ऐसे प्रश्न आएंगे, कौन कौन से हैं प्रयोजन पहले चर्चा कर चुके हैं हम लोग। चलिए आ जाइए, बहुत लेवल की बात है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में प्रश्न आया था, है ना,
रक्षोहागम लघ्व संदेहा, आर यू लिसनिंग? सुन रहे हो ना? जब मैं बोलूं तो बोर्ड पे आ जाओ फटाफट से। असिस्टेंट प्रोफेसर, 2016 में प्रश्न आया था, रक्षोहागम लघ्व संदेहा रिक्त स्थान, संदेहा है ना, ये बहुवचन दिखा रहा है। रक्षोहागम लघ्व संदेहा बहुवचन दिखा रहा है, और यहां था आपका रिक्त स्थान की पीछे क्या आएगा, है ना, पीछे रिक्त स्थान था कि पीछे क्या आना चाहिए। मैं आपको बता रही हूं पीछे ऑप्शन ये थे, प्रयोजनाः, प्रयोजनानि या फिर प्रयोजनम। बड़े से बड़ा विद्वान भी ये करेगा कि रक्षोहागम लघ्व संदेहा बहुवचन है तो प्रयोजनाः ये करेगा नंबर वन। थोड़े और विद्वान विचित्र प्रकार के वो ये कहेंगे कि प्रयोजन तो नपुंसक लिंग में चलता है, तो बहुवचन के अकॉर्डिंग प्रयोजनम, प्रयोजने, प्रयोजनानी, प्रयोजनानी आना चाहिए। ये किया जिनको पास ही होना था उन्होंने किया कौन, प्रयोजनम। अरे समझ में, जिनको पास ही होना था और जिन्होंने इतना डीप में जाकर पढ़ा, जिनके टीचर ने ये पढ़ा था कि बेटा बहुवचन आएगा तो भी प्रयोजनम ही करना, सिर्फ उन्हीं का सही हुआ, यानी कि 1% स्टूडेंट का ही सही हुआ ये क्वेश्चन। आ रहा है समझ में? तो आप चिंता ना करें, आप मेरे साथ हैं तो निश्चिंत रहें, अभ्यास करना है बस, आपको एक ही काम दिया आज से, अभ्यास करो। रक्षोहागम लघ्व संदेहा प्रयोजनम, ना प्रयोजनाहा और ना प्रयोजनानी, केवल प्रयोजनम, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट। प्रयोजन समस्त पद है। आपके पास यदि 5 रुपए हो तो आप क्या कहोगे, मेरे पास 5 रुपए हैं, हाँ मेरे पास 5 रुपयों हैं, यू तो नहीं कहोगे ना, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 1 करोड़ रुपया। संख्या ज्यादा होने पर रुपयों नहीं हो जाता है, वो संगठित राशि की बात हो रही। वैसे यहां पर भी रक्षा, उह, आगम, लघु, असंदेह, ये सारे मिलकर तो प्रयोजन बनते हैं, प्रयोजनों तो नहीं बनते, है ना। व्याकरण के 5 प्रयोजन हैं, व्याकरण के 5 प्रयोजनों हैं, ऐसा तो नहीं कह रहे हम लोग, 5ों मिलकर एक यूनिट बन रहे, एक इकाई बन रहे, इसीलिए वैसा ही सारे मिलकर जब एक यूनिट बनते हैं ना तो ये एक वचन में आ जाता है पद, याद रखना। व्याकरण के 5 प्रयोजन हैं कौन कौन से, केवल नाम ही आएगा, रक्षा, उह, आगम, लघु और असंदेह। ध्यान देना, यहां संदेह दिखाई दे रहा है लेकिन असंदेह करना है आपको। आपको समस्त पद में दिखाई दे रहा है संदेह, रक्षा, उह, आगम, लघु, आपको संदेह दिखाई दे रहा है, लेकिन एग्जाम में कभी पूछा जाए, ध्यान देना, पिछली बार वाला सेकंड ग्रेड का पेपर देखा है ना, उसको बिल्कुल अपने पास रखा करो 24 घंटे, मजा आएगा। इतना इजी लेकिन इतना ट्रिकी पेपर था कि बहुत मजेदार पेपर था। उसमें इसी तरह की चीजें थी कि आपको दिख रहा है यहाँ पर ये लाइन देखकर, रक्षोहागम लघ्व संदेहा प्रयोजनम के अनुसार व्याकरण के 5 प्रयोजन कौन है, आपको दिखाई दे रहा है संदेह, लेकिन यहाँ संदेह नहीं है, शब्द कौन है यहाँ पर, असंदेह, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, असंदेह, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ये व्याकरण के मूल प्रयोजन है ना 5। ये 5 जो थे ध्यान देना वो मूल प्रयोजन है, और आपसे यदि गौण प्रयोजन पूछा जाए तो वो त्रयोदश यानी 13 है। व्याकरण के गौण प्रयोजन कितने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा कौन,
त्रयोदश यानी कि 13, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे व्याकरण के जो आधार स्तंभ हैं, कौन सी परंपरा के? माहेश्वरी परंपरा के जो आधार स्तंभ है वो कौन थे आपके? मुनि त्रय थे। तो मुनि त्रय से वो प्रश्न जो कि एग्जाम में सामान्यतया पूछे जाते हैं उनकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। मुनि त्रयेषु कः न गण्यते, एक तो कॉमन प्रश्न आता है, मुनि त्रय में कौन एक नहीं है, तो कौन है वो याद करें? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। आपको ध्यान रखना है कि कात्यायन का ही दूसरा नाम क्या है? वररुचि है। तो कुल मिलाकर चार नाम आपको याद करने हैं, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, और कात्यायन का ही दूसरा नाम कौन? वररुचि। कात्यायन न देखिए वररुचि से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, ठीक है ना? तो चलिए आ जाइए। हम कह रहे कि माहेश्वरी परंपरा के जो प्रवर्तक हैं कौन? मुनित्रय। वो मुनित्रय तो माहेश्वर सूत्र के आधार पर व्याकरण का प्रवर्तन स्वीकार करते हैं कि माहेश्वर सूत्र जो है उसी से निकली है कौन? संपूर्ण संस्कृत। हो जाएगा, चलिए आ जाइए। माहेश्वरी परंपरा के प्रवर्तक मुनि त्रय माहेश्वर सूत्र के आधार पर व्याकरण का प्रवर्तन स्वीकार करते हैं, यानी कि वो तो व्याकरण के अनुसार माहेश्वर सूत्र पर बल देते हैं। इनमें यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहला है कौन? सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? पाणिनि की। आ जाइए। पाणिनि का समय माना गया है 500 ईस्वी पूर्व। अन्य नाम सूत्रकार, शालातुरीय, शालीय और दाक्षीपुत्र। सूत्रकार, शालातुरीय, शालीय या दाक्षीपुत्र कौन है? तो पाणिनि। बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
चलिए आइए। समय कितना है? 500 ईस्वी पूर्व। अन्य नाम क्या है सूत्रकार? शालातुरी, शाली या फिर दाक्षीपुत्र? देखो, सूत्रकार नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने जो पुस्तक लिखी है, कौन सी? अष्टाध्यायी का मूल नाम शब्दानुशासनम था बच्चों, वो याद रखना है ना। इनका मूल ग्रंथ था कौन? शब्दानुशासनम। तो शब्दानुशासनम में इन्होंने सूत्र लिखे हैं, पूरा का पूरा अष्टाध्यायी, पूरा का पूरा शब्दानुशासनम सूत्र शैली में लिखा गया है, यानी सूत्र ही सूत्र है, उसमें व्याख्या नहीं है, ध्यान देना। केवल और केवल सूत्र है, कुछ भी नहीं है, ना उदाहरण है, ना वार्तिक है, ना अपवाद है, ना स्पष्टीकरण है। केवल हलंत्यम, तस्य लोपः, हलोऽन्तरा संयोगः, बस ऐसे सूत्र के सूत्र हैं। तो इन्होंने अपने ग्रंथ का निर्माण सूत्रों से किया, तो ये सूत्रकार बन गए, कंफर्म। दूसरा, हम कह रहे ये शालातुर नामक स्थान पर जन्मे हैं, तो इनका नाम पड़ गया शालातुरी या फिर शाली। उनके जन्म स्थल के आधार पर इनकी माता का नाम था क्या? दाक्षी। तो ये बन गए कौन? दाक्षी पुत्र। तो दाक्षी कौन है? माता। शालातुर, ये दोनों नाम पड़े हैं इनके किसके आधार पर? जन्म स्थल के आधार पर। और सूत्रकार, ये इनका तरीका है, अपनी इनकी शैली है काव्य लिखने की, सूत्र शैली में लिखते हैं, तो इनकी शैली है ये। सूत्रकार नाम पड़ा इनकी शैली के आधार पर, ठीक है? ऐसा कह सकते हैं हम लोग, एक के कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो। इनकी माता का क्या नाम है? तो पिता का नाम पूछें तो पणिन, ध्यान देना। पिता का नाम पूछें तो पणिन, पणिन की संतान पाणिनी रहेगा, याद। पणिन की संतान ही हो गए हैं कौन? पाणिनी। इनके गुरु का नाम पूछा जाता है, गुरु का नाम हो जाएगा कौन? उपवर्ष। गुरु का नाम हो जाएगा उपवर्ष। इनकी शैली मैंने बता ही दी थी, कौन सी? सूत्र शैली। किस शैली में लिखते हैं? सूत्र शैली में, सूत्र ही सूत्र लिखते हैं ये। आगे बढ़ जाइए। इन्होंने अपने ग्रंथ में कुल कितने सूत्र लिखे हैं? लगभग 4,000। बहुत विवाद है इस बात पर, कोई कह रहा है 3,995, कोई कह रहा है 3,997। फिक्स कभी भी नहीं आएगा, लगभग 4,000 राइट करना है ना। कुल कितने सूत्र लिखे इन्होंने? लगभग 4,000। आपसे इनके ग्रंथ का प्रथम सूत्र, और अंतिम सूत्र पूछा जा सकता है। प्रथम सूत्र और अंतिम सूत्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या था? पाणिनि की अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र क्या था? पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम सूत्र तो है आपका सॉरी, प्रथम सूत्र है आपका कौन सा? वृद्धि राधयिच। प्रथम सूत्र हो जाएगा आपका वृद्धि राधयिच, और अंतिम सूत्र हो जाएगा आपका कौन? अह, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा? वृद्धि राधयिच, वृद्धि होनी चाहिए। पाणिनि के शब्दानुशासनम यानी अष्टाध्यायी का पहला सूत्र कौन सा है? वृद्धि राधयिच। क्या मतलब है? कि वृद्धि होनी चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए पाठकों की संख्या में भी, यानी कि पाठक भी बढ़े इस संसार में, सब कुछ मंगलकारी हो और सब में वृद्धि हो, यानी कि पाठकों की संख्या में भी और ज्ञान में भी, इसलिए वृद्धि राधेच। जबकि अंतिम सूत्र हो जाएगा कौन अपना? अह। लिख चुके हैं, जल्दी से आगे बढ़ जाइए।
पाणिनि का कृतित्व क्या है, क्या लिखा है इन्होंने, किन किन ग्रंथों की रचना की है, आ जाइए। हम बात कर रहे हैं पाणिनि के कृतित्व की। सबसे पहले यदि बात करें तो पाणिनि ने क्या लिख दिया है, शब्दानुशासनम। बहुत बार हमने प्रश्न पढ़ा था अभी, व्याकरणस्य पर्यायः कः, शब्दानुशासनम, याद आ रहा है कुछ? व्याकरणस्य पर्यायः कः, शब्दानुशासनम। सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है। इसको हम व्याकरणस्य पर्यायः कह सकते हैं ना। व्याकरणस्य पर्यायः कः, तो शब्दानुशासनम। आगे बढ़ जाइए, सारी बातें शब्दानुशासनम की होगी। इसका अन्य नाम क्या है? अष्टाध्यायी। कुल अध्याय कितने हैं? 8। पाद कितने हैं? 4। ध्यान देना, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, तो कुल पादों की संख्या हो जाएगी कितनी? 32। बहुत इंपॉर्टेंट बात। आपसे बाई दिवे पूछा जाए, अष्टाध्यायी के 8 अध्यायों में प्रथम अध्याय क्या है, तो आपको याद रखना है कि संज्ञा व परिभाषा प्रकरण। संज्ञा व परिभाषा प्रकरण। और आपसे पूछा जाए अंतिम अध्याय क्या है, पाणिनि की अष्टाध्यायी का अंतिम अध्याय यानी 8वां अध्याय क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। आपका आंसर हो जाएगा व्यंजन और विसर्ग संधि प्रकरण। व्यंजन व विसर्ग संधि प्रकरण, व्यंजन और विसर्ग संधि प्रकरण, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, यदि और आगे आपसे पूछा जाए कि पाणिनि की अष्टाध्यायी का दीर्घतम अध्याय कौन सा है, या आपसे पूछा जाए कि पाणिनि की अष्टाध्यायी का लघुतम अध्याय कौन सा है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट। दीर्घतम हो जाएगा आपका स्वर संधि और स्वर प्रक्रिया, स्वर संधि व स्वर प्रक्रिया अध्याय। और लघुतम हो जाएगा आपका समास और विभक्ति प्रकरण। कंटेंट याद होने चाहिए ना। संज्ञा प्रकरण बहुत बड़ा है, वैसे भी संज्ञा प्रकरण है, उसमें सारी परिभाषाएं भी हैं, तो ये बहुत बड़ा हो गया। जबकि
अंत में आएगा कौन? व्यंजन विसर्ग। पहले संज्ञा और अंत में कौन? व्यंजन विसर्ग। बड़ा कौन है? स्वर संधि और स्वर प्रक्रिया, ये सबसे बड़ा है। और छोटा कौन है? समास और विभक्ति प्रकरण। बढ़े आगे। नेक्स्ट आ जाइए। यदि आपसे पूछा जाए कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखी गई सबसे अच्छी टीका कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। हम सारी की सारी बातें कर रहे हैं शब्दानुशासनम की, ठीक है ना? टाइटल डालें वही कंटिन्यू, काशिका वृत्ति की सर्वश्रेष्ठ टीका, सॉरी अष्टाध्यायी की सर्वश्रेष्ठ टीका। अष्टाध्यायी की सर्वश्रेष्ठ टीका कौन सी? काशिका वृत्ति। रचयिता हैं दो व्यक्ति, वामन और जयादित्य, बहुत इंपॉर्टेंट। वामन और जयादित्य ने काशिका वृत्ति किस ग्रंथ पर लिखी? अष्टाध्यायी पे रहेगा याद, वामन और जयादित्य ने अष्टाध्यायी पर कौन सी टीका लिखी? काशिका वृत्ति। ठीक है, बढ़े आगे। अष्टाध्यायी पर लिखी है ना, यानी 8 अध्यायों पर लिखी है। अष्टाध्यायी यानी कितने अध्यायों पर लिखी? 8। तो 5, देखो जिसका नाम जय है वो तो ज्यादा काम करेगा ना, जय जय ही तो जीतता है। और वामन यानी कौन? छोटा, सही बात है। जिसका नाम जय है वही तो जीतेगा। और वामन यानी बोना, किसी बोने व्यक्ति का नाम, बोने व्यक्ति को वामन कहते हैं संस्कृत में। तो आपको इतना याद रखना, जिसका नाम जय है वो तो काम करेगा कितने अध्यायों पर? 5 अध्यायों पर। और बच कितने गए अष्टाध्यायी में? अष्टाध्यायी में कितने अध्याय बच गए? 3। तो 3 अध्यायों पर काम करेगा कौन? वामन। रहेगा याद, पूरी बात करें फिर से। काशिका वृत्ति एक टीका है, किस पर लिखी गई? अष्टाध्यायी पर, है ना? और किसने लिखी है? तो वामन और जयादित्य ने। वामन और जयादित्य में जिसका नाम जय है वो तो ज्यादा काम करेगा ना, उसकी तो विजय होगी, तो वो काम करेगा कितने? 5 अध्यायों पर। और वामन का मतलब तो बोना या छोटा, तो वो काम करेगा छोटा यानी 3 अध्यायों पर। आगे बढ़ जाइए जल्दी से। दूसरा ग्रंथ इन्होंने लिखा है पाणिनीय शिक्षा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है पाणिनीय शिक्षा में कितने श्लोक हैं। दूसरा ग्रंथ आपका हो जाएगा पाणिनीय शिक्षा, और पाणिनीय शिक्षा में कितने श्लोक हैं? तो 60 श्लोक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका वो जो श्लोक है ना, छंदा पादौ तु वेदस्थ शिक्षा अल्पोस्त अथ कथ्यते मुखम व्याकरणम स्मृतम वाला श्लोक है ना, पूरा का पूरा वो श्लोक जो कि छंदा पादौ तु वेदस्य वाला है, और जिसमें वो लाइन भी आती है जो कि आपकी कौन है? मुखम व्याकरणम स्मृतम वाली लाइन भी है। तो कुल मिलाकर ये जहां पर कही गई है ना, वो बुक ही तो अपनी कौन सी है? पाणिनीय शिक्षा है। समझ में आ रहा है ना? कुछ समय पहले हमने लिखा था कि पाणिनीय शिक्षा में व्याकरण को मुख्य माना गया, और व्याकरण को क्या कह दिया गया? मुखम व्याकरणम स्मृतम। तो मैं आपको याद दिला रही हूं कि पाणिनीय शिक्षा तो वो ही है जो कि 60 श्लोकों में निबद्ध है, और ये तो वही ग्रंथ है जिसमें कि छंद पादौ तु वेदस्य वाला श्लोक है,
या फिर मैं आपसे कह रही हूँ मुखम व्याकरणम वाला श्लोक है, ये श्लोक एक ही है ना, एक ही श्लोक की दो अलग अलग लाइनें हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं मुखम व्याकरणम स्मृतम कहाँ है, अष्टाध्यायी में नहीं है, कहाँ है, पाणिनीय शिक्षा में है। छंदा पादौ तु वेदस्य पंक्ति कहाँ से उद्धृत की गई है, तो पाणिनीय शिक्षा से, अष्टाध्यायी से नहीं, शब्दानुशासनम से भी नहीं, ध्यान देना, इसलिए लिखवा रहे। तीसरी इनकी कृति है पाताल विजयम। तीसरी इनकी कृति है पाताल विजयम, ध्यान देना, पाताल विजयम इनके द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है। व्याकरण ग्रंथ नहीं है ये, तो कौन है, एक प्रकार का महाकाव्य है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि इन्होंने एक महाकाव्य भी लिखा है जिसका की नाम है पाताल विजयम, और पाताल विजयम का ही अन्य नाम जांबवंती जय भी है। जांबवंती जय या जांबवंती विजयम ऐसा नाम भी मिलेगा आपको। और यहां पर क्या स्टोरी होगी, क्या कथानक होगा, ध्यान देना, इस महाकाव्य की स्टोरी क्या होगी, कथानक क्या होगा, हो जाएगा। कथानक क्या है, श्री कृष्ण ने जांबवंती नाम की एक योद्धा कन्या से युद्ध किया, फिर उसको पराजित किया और उससे विवाह कर लिया बाद में। श्री कृष्ण ने जांबवंती से विवाह किया उसको पराजित करके, यह है जांबवंती जय या जांबवंती विजय, जांबवंती परिणय भी कहते हैं इसको। पतंजलि की कौन सी, सॉरी पाणिनि की कौन सी एक कृति नहीं है, इस प्रकार का भी प्रश्न आ सकता है। तो हमें तो तीन कृतियां याद करनी है, कौन कौन सी, शब्दानुशासनम, पाणिनीय शिक्षा और पाताल विजयम, या फिर अन्य नाम जांबवंती जय, जांबवंती विजयम। कंटेंट आपको भरपूर मिलेगा, एग्जाम में छपने वाला हर प्रश्न आपके 4 या 5 रजिस्टर से होगा, याद रखना है ना। लेकिन आप लोगों को हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, वो शैली आपको क्रिएट करनी है, उसके लिए भी अभ्यास हम लोग भरपूर करवा देंगे। लेकिन क्लास में अटेंटिव रहते हुए स्मार्ट तरीके से कैसे क्वेश्चन अप्लाई करना है ना, कैसे क्वेश्चन को फील करना है, वो आपको करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग कल मिलेंगे सेम टाइम, अभी 25 मिनट के बाद हम लोग फिर मिल रहे हैं। यूट्यूब पर मेरी क्लास है, संस्कृत संबंधी जितनी भी नीतियां हैं, जितने आयोग हैं, जितने संगठन हैं, या संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए जो उन्नयन कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे 12:30 पर, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।